नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार वासियों को जाम की समस्या से निकालने के लिए बिहार सरकार लगातार प्रयासरत है। यही कारण है कि बिहार को जाम से निजात दिलवाने के इरादे से ही बिहार सरकार आए दिन नए नए नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे का ऐलान करती रहती है। इसी बीच अब बिहार सरकार ने बिहार के 5 जिलों को पूरी तरीके से जाम से मुक्त करने की योजना बनाई है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार सरकार की योजना के अनुसार राज्य के 5 जिलों में इस साल 7 आरओबी यानी कि रोड ओवरब्रिज बनाने का काम पूरा हो जाएगा। अब सवाल ये है कि बिहार के आखिर कौन से 5 जिले हैं? तो हम आपको बता दें कि बिहार सरकार की योजना के अनुसार वैशाली, सारण, सुपौल, कटिहार और अररिया जिला आने वाले दिनों में जाम से मुक्त होने वाला है। सूत्रों के अनुसार इस साल बनने वाले आरओबी में वैशाली जिला में 2 और छपरा के रिवीलगंज में 1 शामिल है। इन तीनों आरओबी की अनुमानित लागत करीब 195.26 करोड़ रुपए है। हाजीपुर छपरा फोरलेन में वैशाली जिला के अंतर्गत 1 आरओबी बन चुका है और दूसरे का निर्माण चल रहा है। वही छपरा के रिवीलगंज में करीब 1.5 किलोमीटर लंबाई में आरओबी की बाईपास सड़क बन रही है। ये रिवीलगंज थाना से 50 मीटर आगे से शुरू होकर पहिया रेलधारा के बगल से पहिया गांव के बाहर निकलेगी। दरअसल रेल फाटक ट्रेनों के आने के कुछ मिनट पहले बंद होने वाले वाहन की लंबी कतार लग जाती है, इससे रिवीलगंज बाजार भी जाम हो जाता है। आरओबी बनने से इन समस्याओं का समाधान होगा। सुपौल के भपतियाही और सुपौल शहर में 1-1 आरओबी करीब 138 करोड़ रुपए की लागत से सितंबर 2022 तक पूरा होने का लक्ष्य है। 1 आरओबी का निर्माण खगड़िया जिला के मानसी से सुपौल जिला के हरदी चौधारा के बीच बदला घाट के पास हो रहा है। वहीं दूसरे आरओबी का निर्माण सुपौल शहर में हो रहा है। इनके बनने से लोगों को जाम से निजात मिलेगी। कटिहार के मनिया और गौशाला में 1-1 आरओबी करीब 116 करोड़ की लागत से दिसंबर 2022 तक निर्माण होने की संभावना है, इससे शहर में जाम की समस्या से निजात मिलेगी। इसके साथ ही अररिया में 1 आरओबी करीब 87.86 करोड़ की लागत से दिसंबर 2022 तक पूरा होने की संभावना है। पश्चिम चंपारण के बघा और मंगलपुर में 1-1 आरओबी का निर्माण करीब 68.49 करोड़ रुपए की लागत से जून 2023 तक होने की संभावना है। सहरसा में 1 आरओबी का निर्माण करीब 79 करोड़ की लागत से जुलाई 2023 तक होने की संभावना है। उन सब के बीच उम्मीद है कि अगले साल तक 4 अन्य आरओबी बनकर तैयार हो जाएंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो अगले साल तक कुल 11 आरओबी के बनने से लोगों को जाम से निजात मिल जाएगा, साथ ही साथ आवागमन भी बेहतर होगा। विभाग की माने तो इन सभी आरओबी की अनुमानित लागत ही करीब 684.61 करोड़ रुपए बताई गई है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।